नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शिवाय आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको मशक चिकित्सा का अग्निकर्म के लाइव डेमो हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ हमारे चिकित्सक डॉक्टर आदिल खान, जो मशक चिकित्सा में अग्निकर्म आपको करके दिखाएंगे और इसके विषय में आपको। लेकिन अग्निकर्म करने से पहले हम आपको मशक के विषय में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, उसके बाद ही आपको पूरा डेमो समझ में आएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मशक के विषय में आप विस्तार से बताएंगे, मशक है क्या चीज़? हाँ सर, एक्चुअली ये जो मशक व्याधि है इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में किया है और इसका कुछ विवरण हमें भोज संहिता में भी देखने को मिलता है। हमारे आचार्य सुश्रुत इसके विषय में बताते हैं कि अवेदनम स्थिरत्वम तस्य गात्रेषु दृश्यते, यानी ये अवेदना वेदना से रहित, अवेदना स्थिरत्व और एक स्थिर जो स्किन ग्रोथ होती है, स्किन टैग होता है एक्चुअली ये, और वेदना रहित होता है तस्य गात्रेषु दृश्यते। इट मीन्स कि ये शरीर के किसी भी हिस्से में उत्पन्न हो सकता है। इसके विषय में फर्दर आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि माशवत कृष्णम, अर्थात ये माश जो हमारी उड़द की दाल होती है उसके वर्ण की कृष्ण वर्णी ग्रोथ होती है ये, तो माशवत कृष्णम उत्सन्नम एलिवेशन, ये एलिवेटेड ग्रोथ होती है, तो माशवत कृष्णम उत्सन्नम वातेषु मशकम वदेत, यानी कि ये वात दोष की इसमें वृद्धि होती है। तो सर ये एक रेफरेंस जो है ये हमारे आचार्य सुश्रुत का है। इसी के विषय में हमारे आचार्य भोज बताते हैं कि श्लक्षणम मृदु सवर्णम, तो ये श्लक्षण होती है सॉफ्ट होती है, मृदु होती है और सवर्ण यानी स्किन के ही कलर की होती है, मशकम वदेत, तो इसी को हम मशक बोलते हैं। तो ये दो रेफरेंस सर हमें हमारे जो है आचार्य हमारी संहिताओं में इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। और मशक जो है हम अभी तक इतना ही ज्ञात है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से अब मशक को किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं? हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसको मॉडल में स्किन टैग से कोरिलेट कर सकते हैं। तो स्किन टैग यूजुअली ये बिनाइन ग्रोथ होती है, नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है और ये स्किन के ही कलर की होती है। और इसका जो मुख्य कारण होता है वो जो फ्रिक्शन वाली जगह होती है जहाँ पर स्किन टू स्किन फ्रिक्शन होता है, क्योंकि ये जनरली जो स्किन फोल्ड्स होते हैं या स्किन क्रीज होती है ये वहीं पर उत्पन्न होती है। सपोज कि गर्दन के इलाके में जो ग्रोथ होती है, आज हम जिस पेशेंट के अग्निकर्म करने जा रहे हैं उसको गर्दन पर है, तो नेक रीजन में जो ग्रोथ होती है वो जनरली नेक के फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो ये जो फ्रिक्शन की वजह से ग्रोथ होती है ये बिनाइन ग्रोथ होती है और इसको हम स्किन टैग बोलते हैं। मैं चाहता हूँ आपसे एक क्वेश्चन, एक मेरे दिमाग में ये आया है कि वार्ट्स और स्किन टैग में अंतर क्या है? हाँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो वार्ट्स होते हैं जनरली हमारे आज की जो जनरेशन है वो वार्ट्स से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वार्ट्स जो होती है वो स्किन टैग से टोटली डिफरेंट चीज़ है। जो वार्ट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं यूजुअली, वो भी फ्रिक्शन से ही पैदा होते हैं, लेकिन इन्फेक्शियस कॉज उसमें होता है। ये जो वार्ट्स होते हैं इसमें 99% जो वार्ट्स उत्पन्न होते हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और उनमें सर स्प्रेड का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। यूजुअली शेविंग कर रहे हैं, ब्लेड लग गई आपकी, तो वो ब्लेड आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वहाँ से वहाँ पर जो है उसका स्प्रेड हो जाता है, या आपके कपड़े से या टॉवल से वो स्प्रेड कर जाता है, लेकिन स्किन टैग में इस तरह से वो नहीं होता है, ये यूजुअली फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो उसमें अब हम कौन कौन सी चिकित्साएं कर सकते हैं? सर आयुर्वेद का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम औषध, आप यहाँ पर जो है कॉटरी, यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रिक कॉटरी यूज़ करेंगे, अग्निकर्म हम जिसको बोलते हैं। इसके अलावा क्षार हम यहाँ पर लगा सकते हैं इसमें। इसके अलावा हम अगर ये दोनों पद्धतियाँ फेल होती हैं तो फाइनली हम इसका सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आदिल सर ने हमको मशक की चिकित्सा के विषय में कितनी कुछ चीज़ें बताई। अब दोस्तों हम ओटी की तरफ चलते हैं। आज ओटी में एक पेशेंट का मशक चिकित्सा अग्निकर्म द्वारा की जाएगी, वो आप देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए सर, आदर सर ओटी में चलते हैं।